अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। हमारे सभी सहयोगीगण जो भी हैं, वे भी मंच पर आ रहे हैं। हैप्पी कलेक्शन तेजकरण जी परमा, विशाल जी जैन, मैं निवेदन करूंगा हमारे संस्था जनचेतना के अध्यक्ष से नवीन जी सोलंकी जी से कि सभी अतिथियों का स्वागत करें। नवीन जी सोलंकी, पूर्व अध्यक्ष कमल जी आहूजा जी, योगेश जी शर्मा जी और विकास जी गिरी जी, सभी अतिथियों का स्वागत करें। हमारे बीच में पार्षद गोपाल जी खत्री, भूपेश जी ठाकुर, त्रिवीर जी वर्मा, संजय जी ठाकुर, सोनिया जी, सभी पार्षद आलोक जी साहू सभी उपस्थित रहे और नवीन जी सोलंकी, कमल जी आहूजा, योगेश जी शर्मा, विकास जी गिरी सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे। विकास जी आप मंच पर रहिए, रंजीत दावा से निवेदन करूंगा आप भी मंच पर रहिए, राजेंद्र निवेदन करूंगा आप भी आ जाइए मंच पर, सी के मगाते जी वो भी मंच पर आ जाए। रमेश जी सोनी से भी निवेदन करूंगा अभी मंच पर आ जाए। जोरदार तालियों से हमारे उपस्थित अतिथियों को स्वागत करें। श्री राम, भारत माता की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोलो चामुंडा माता की, तुलजा भवानी माता की, बोलो संत शिवदास जी महाराज की। इंदौर से पधारी मेरी छोटी बहन, रेड लाइट नाइन में पत्रकार और जिनका लव जिहाद और नशे पर बहुत ही ओजस्वी भाषण हमें सुनने को मिला, ऐसी बहन प्रियंका जी, देवास विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय राजेश यादव जी, आदरणीय सुभाष शर्मा जी, दुर्गेश जी, आदरणीय अजय तोमर जी, प्रतीक सोलंकी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित पार्षदगण, उपस्थित सभी देवास के आशीर्वाददाता, उपस्थित युवा शक्ति, उपस्थित मेरी बहने, युवा साथी और मित्रों, ये देवास दो माताओं का स्थान है। हमारी हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि देवास की जो पवित्रता है वो निरंतर बढ़ती रहे। ऐसी कोई भी बुराई जो देवास की पवित्रता को कम करती है उसे खत्म करने का दायित्व हम सब देवास के भक्तगणों का है। विजयदशमी बुराई पर विजय हासिल करने का पर्व है। जो भी बुराई हमें दिखती है वो किसी भी रूप में हो उसे खत्म करना हम सनातनी हिंदुओं का दायित्व है और हमारा कर्तव्य है कि दोनों माता के देवास की शुद्धता और पवित्रता निरंतर बनी रहे। हम देवास के वासी हैं, हमारी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हमारे सामने जो भी बुराई आती है उस बुराई को नष्ट करना हमारा देवासवासी होने के कारण एक दायित्व है। मैं आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माता भवानी से, मां चामुंडा माता से और श्रीमंत श्रीनाथ जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि देवास खुशहाल रहे,
देवास के सभी भक्तगण स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और प्रत्येक बुराई पे विजय प्राप्त करने की उनमें क्षमता दिनों दिन बढ़ती जाए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। देवास में दशहरे के उपलक्ष में दोनों माताओं के चरण में सबसे पहले नमन करती हूँ और इसे नमन के लिए आग्रह करूंगी, माँ चामुंडा की, माँ तुलजा भवानी की, दोनों माताओं के इस नवरात्रि के उपलक्ष में आज समापन के दिवस पर दशहरे के उपलक्ष में देवास की सभी जनता को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। सभी धर्मप्रिय जनता जो एकत्रित हुई है रावण दहन के अवसर पर बुराई के प्रतीक को खत्म करके देवास में सुख शांति समृद्धि की स्थापना हो, ऐसी दोनों माताओं के चरणों में कामना करती हूँ। दोनों माताओं से शक्ति मांगती हूँ कि अपना संकल्प जो देवास को एक खुशहाल देवास, एक समृद्ध देवास, एक विकसित देवास बनाने का जो संकल्प मेरे परिवार का है, मेरा है, उस संकल्प को दृढ़ता देने के लिए दोनों का आशीष मुझ पर बना रहे। देवास की जनता का आशीर्वाद जो हमेशा से स्वर्गीय महाराज साहब पे था, मुझ पर है, वो आगे भी बना रहे, ऐसी कामना के साथ सभी देवास की जनता को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। सभी एकत्रित बहनों और भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से दशहरे के उपलक्ष